टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल गाइस। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक डिफरेंट सा वीडियो जो कि ना ही मेकअप से रिलेटेड है और ना ही किसी हॉल से रिलेटेड है। ये है करवा चौथ आउटफिट इंस्पिरेशन आइडियाज़, जो हम ट्रेडिशनल और कुछ फ्यूजन लुक्स भी ट्राई करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको दिखेगा कि मैं किस तरह से करवा चौथ से रिलेटेड आउटफिट आपके साथ शेयर करूँगी, आप किस तरह से आउटफिट पहन सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं, एंड चाहे वो मॉडर्न हो चाहे ट्रेडिशनल, हम दोनों तरीके से इसको चेक करेंगे। एंड आपको कुछ कॉम्बिनेशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ क्या ज्वेलरी किसके साथ जाती है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो में ज़रूर बने रहें गाइज, एंड ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहना, स्किप मत करना, ये स्किप मत करना, इसको लास्ट तक देखना। एंड आई होप आपको मेरी कुछ आइडियाज़ अच्छे लगेंगे, ट्रेडिशनल एज वेल एज फ्यूजन स्टाइल्स। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो सबसे पहले है मेरे पास ये बहुत ही सुंदर कलर है, रस्ट कलर, ब्रिक कलर जो होता है ना, रस्ट कलर, उस कलर का शरारा है इसका बॉटम, और जो टॉप है वो नायरा स्टाइल में है, और इसका दुपट्टा भी बहुत सुंदर है। तो ये इस तरह से आउटफिट है, बहुत ही सुंदर आउटफिट है। एंड इसमें सारा मैट गोल्डन वर्क हो रखा है। इसकी स्लीव्स 3/4 स्लीव्स है, आप चाहे तो स्लीव्स हटवा सकते हो, तो आप कुछ इस तरह से ही पहन सकते हो। तो ट्रेडिशनल भी लगेगा एंड थोड़ा सा मॉडर्न ट्विस्ट भी लगेगा, शरारा एंड नायरा स्टाइल है। तो ये इसमें ये पूरा ही मैट गोल्डन में ऐसे काम हो रखा है, पूरा मैट गोल्डन है, बहुत हॉज पॉज नहीं है क्योंकि मैट गोल्डन है ना, इसीलिए। एंड साथ ही साथ इसमें पीछे भी ये काम हो रखा है, तो साइड में हमें हाई स्लिट यहाँ पे मिल जाती है, तभी तो ये नायरा स्टाइल कहा जाता है। तो ये हाई स्लिट मिल जाएगी आपको, साथ ही साथ में वीडियो भी देखने को मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको वियर करके दिखाया। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था गाइस पहना हुआ। कलर बहुत फाइन है करवा चौथ के हिसाब से एंड इस फेस्टिव सीजन के हिसाब से। साथ ही साथ है इसके साथ ही शरारा सेट, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। ये देख रहे हो आप, फुल शरारा सेट है, तो काफी सुंदर इसके साथ एनहेंस होके आता है। एंड इसका दुपट्टा बहुत ही सुंदर है गाइस, ही बहुत ही सुंदर दुपट्टा है, पूरा इस पे वर्क हो रखा है, तो जब आप इसको पूजा के टाइम पे अपने सिर पे लोगे ना, इट विल रियली लुक गुड, बहुत ही सुंदर लगेगा। एंड ये जो कलर है ना, ये बहुत ही अच्छे से उभर के आ रहा है आपके इस लुक के साथ। आप जिस तरह से मेकअप करोगे उसके साथ ये बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड एंड में ये टेसल्स दिए हैं जो कि बहुत ही अच्छे से एनहेंस होके आ रहा है। इसको मैंने स्टाइल किया था सिंपल बैंगल्स के साथ, और आगे पीछे कड़े के साथ वियर कर सकते हो, ये भी पहनने में बहुत, और ये बिल्कुल एज इट इज इसके मैच का है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड नेकलेस के लिए मैंने ये सिंपल सा चोकर सेट इसके साथ वियर किया था, जो कि बहुत ज़्यादा हॉच पॉच भी नहीं है। तो ये सिंपल सा कुंदन का नेकलेस है, प्लस मोतियों का काम है ना, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था इसे ड्रेस के साथ। इसके साथ ये इयररिंग्स हैं, ये ट्रेडिशनल भी लगेगा, प्लस आपका स्टाइल सूट का इतना सुंदर है ना, तो एक मॉडर्न ट्विस्ट भी नजर आएगा। ऑलराइट, सेकंड है मेरे पास ये बहुत ही सुंदर हैवी प्यारी सी वाइन कलर की साड़ी रेडी टू वेयर। तो सबसे पहले इसके ब्लाउज पे आते हैं। तो ये ब्लाउज इस तरह से है, बहुत ही सुंदर इस पे सीक्वेंस का वर्क हो रखा है, ठीक है। एंड साइड में आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा ये डिज़ाइन मिलता है, जो कि पहनने पे ही आपको समझ में आएगा, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। एंड ये एक बहुत ही सुंदर मॉडर्न लुक दे रहा था पहनने पे। एंड आपको यहाँ पे 3/4 स्लीव्स मिल जाएगी, जो इसमें है बेल स्लीव्स। हैवी है, कलर भी बहुत फाइन है, हाँ ब्लाउज हैवी है बट साड़ी उतनी हैवी नहीं है, तो ये रेडी टू वेयर साड़ी है, इंस्टेंटली पहन सकते हो। एंड इसके साथ है ये रेडी टू वेयर साड़ी, विच इज लुकिंग वेरी अमेजिंग विद दैट। आप वीडियो में देखेंगे ना, तब आपको उतने अच्छे से समझ में आएगा। तो ऊपर से मिलेगी इस तरह से ऐसे प्लेन साड़ी आपको, एंड नीचे आते आते ये बॉटम में आएगा, एंड जो पल्ला है तो यहाँ पे इस तरह से सेट हो जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर प्लेट्स आ रही थी इसकी पहनने पे, बहुत ही सुंदर है। एंड रेडी टू वेयर है ना, तो आप झटपट 2 मिनट्स में रेडी हो जाते हो। नीचे बॉटम में आएगा, जो कि देख रहे हो आप कितना सुंदर लग रहा है, इसका फॉल भी बहुत सुंदर आया था। इसको मैंने स्टाइल किया था बहुत ही सुंदर, सिल्वर टच के इयररिंग्स इसके साथ ही लुक दिए थे इसको। एंड अगर मैं सिल्वर टच दूंगी तो मुझे नेकलेस में भी कुछ देना पड़ेगा। स्लीक सा मैंने ये नेकलेस पहना था इसके साथ, और ये बहुत सुंदर लग रहा है इसके साथ। एंड बैंगल्स के लिए मेरे पास इसमें कुछ इस टाइप का ऑप्शन नहीं था, तो या तो मैं रेड पे जा सकती हूँ, या मैं इसी कलर पे ऐसे डार्क वाइन कलर पे जा सकती हूँ। तो जो मैंने ये कुंदन के बैंगल्स के साथ इसको पेयर अप किए थे, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। नेक्स्ट आई हैव दिस प्यारा सा सूट, क्योंकि अब हम साड़ी ज़्यादा ना पहन के थोड़ा सा सूट पे भी आते हैं। बहुत ही सुंदर सा फेस्टिवल से रिलेटेड कलर है, बहुत ही सुंदर, आप देख रहे हो ऑरेंज एंड पिंक का ये टच है, तो
पूरा ये सूट है बहुत ही सुंदर, एंड इसको पहना हुआ इतना सुंदर लग रहा था ना, इसकी स्लीव्स देखो आप, पूरा जो प्रॉपर होता है ना कि न्यूली ब्राइड या उस टाइप की कोई पहन सकता है, तो इस टाइप से आप कोई ऐसा सूट पहन सकते हो, थोड़ा खिलता हुआ कलर। एंड इसका जो दामन है ये भी हैवी है, एंड साथ ही में इसकी पैंट्स हैं, एंड पैंट्स में भी ऐसे बॉटम का वर्क है जो कि आप वीडियो में देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। तो दुपट्टे पे भी ऐसे पूरा वर्क है, एंड साथ में साथ साइड में ऐसे किनारी पे ये लेस आ रही है, ये भी बहुत सुंदर लग रही है गाइस। तो इसके साथ मैंने जो पेयर अप किया था इस तरह की मजंटा बैंगल्स चूड़ियाँ मैंने ली थी, एंड इसको मैंने बहुत ही सुंदर ऐसे कुंदन के जो बैंगल्स होते हैं ना, सबके पास होंगे ही नहीं तो ये आपको बहुत इजीली अमेजोन या मीशो पर मिल जाएंगे, तो बहुत ही सुंदर से ये कुंदन के बैंगल्स हैं। एंड ज्वेलरी के लिए आई हैव दिस स्लीक कुंदन नेकलेस सेट, बहुत ही सुंदर सा ये कुंदन का नेकलेस सेट है, बहुत ही अच्छा लग रहा था इसको पेयर अप करके, आप वीडियो में देख सकते हो। तो आई हैव दिस प्रॉपर रेड कलर की साड़ी, तो ये बहुत ही सुंदर आप देख रहे हो, बहुत ही सुंदर वर्क की मैट गोल्डन वर्क का इस पे ये काम रखा है, परफेक्ट फॉर करवा चौथ गाइस। तो इस रेड साड़ी के साथ प्रॉपर है रेड ब्लाउज, एंड ये बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपके इंडियन स्किन टोन को, बहुत ही अच्छा सा लुक देगा। साथ ही साथ जो मैंने इसको पेयर अप किया था वो किया था इस रेड चूड़ा के साथ जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, ये मैंने लिया था मीशो से। एंड फॉर ज्वेलरी मेरे पास ये बहुत ही सुंदर नेकलेस सेट है, ये भी मैंने अमेजोन से लिया था, बहुत ही सुंदर है, इस पर रेड स्टोन आ रखा है एंड साइड में से पर्ल्स आ रखे हैं, तो ये बहुत ही सुंदर कॉम्प्लीमेंट कर रहा था इस रेड साड़ी के साथ। साथ ही है इसके साथ ये रेड स्टड जो बहुत सुंदर लग रहे थे इस साड़ी के साथ, ऐसी ट्रेडिशनल साड़ी इसके साथ अगर आप इस तरह से वियर करो प्रॉपर गजरा टाइप जो आजकल अमेजोन पे मिल जाते हैं उस तरह से आप वियर कर सकते हो। ऑल राइट, तो अब मैं थोड़ा सा ना मॉडर्न ट्विस्ट लेके आती हूँ, तो ये है मेरे पास एक रेडी टू वियर साड़ी फ्रॉम द ब्रांड हाउस ऑफ इंडिया, अगर आपने सुना होगा फैब एली जो डील करता है वो वेस्टर्न्स में करता है, एंड उसका एक फ्यूजन स्टाइल भी है, नॉट एथनिक प्रॉपर फ्यूजन स्टाइल है हाउस ऑफ इंडिया। जो ये साड़ी है ये प्रॉपर साड़ी नहीं है, जैसे स्कर्ट्स पहनते हैं ना हम या कोई पेटीकोट पहनते हो उस तरह से है ये, अंदर लाइनिंग भी होती है एंड आप इसको साइड में टक इन कर सकते, मतलब बन सकते हो और साइड में जिप है, तो इस तरह से काफ़ी कंफर्टेबल रहती है पहनने में। तो प्लेन साड़ी आएगी प्लीट्स के बाद, प्लीट्स तक एंड प्लीट्स के बाद आपको तो इस तरह से ये पल्ला मिलता है जो कि बहुत सुंदर लगता है, वर्क हो रखा है ये बहुत ही अच्छे से एनहेंस हो रहा है पूरी लुक को, एंड ये जो हॉट पिंक कलर है ये बहुत ही सुंदर फ्यूजा पिंक कलर है, एंड इसको स्टाइल किया था मैंने इसी के साथ ब्लाउज से जो कि अलग से ही बाय किया था। तो इस ब्लाउज, ये जो ब्लाउज है ये स्लीवलेस है, स्लीवलेस के साथ साथ आप देख सकते हो स्लीव्स पे ना ऐसे टैसल्स आ रहे हैं, तो जो बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपकी लुक को, बहुत स्टाइलिश ब्लाउज है एंड आपको साइड जिप मिलती है तो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है पहनने में, एंड ये पहना हुआ इतना सुंदर लग रहा था गाइज, इतना अमेजिंग लग रहा था। तो आप इस पल्ले को किसी भी तरह से स्टाइल भी कर सकते हो, सुंदर सा अमेजिंग सा नेकलेस वेयर किया था जो कि मैंने अमेजोन से लिया था, सी कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस साड़ी को आप देख सकते हो। एंड इसकी जो इयररिंग्स है गाइज ये भी बहुत ही अमेजिंग है, एंड इसको मैंने स्टाइल किए थे बहुत ही सुंदर बैंगल्स वही लिए मैंने हॉट पिंक, प्लस मैंने यहाँ पे जो कड़ा लिया है कड़ा स्टाइल वो पर्ल का लिया है क्योंकि हमारे जो नेकलेस है इसमें भी पर्ल का वर्क हो रखा है। नेक्स्ट है मेरे पास अगेन उसी ब्रांड का हाउस ऑफ इंडिया का एक बहुत ही सुंदर साड़ी ड्रेस, एंड दिस इज दी ड्रेस जो कि मेरी बहुत पर्सनली फेवरेट भी है, साथ ही साथ मुझे ये बहुत पसंद आती है। तो इस तरह से इसकी स्लीव्स है, थोड़ा सा फ्यूजन स्टाइल, मैंने कहा हम थोड़ा फ्यूजन स्टाइल में जाएंगे, तो इस तरह से आपको गोल्डन टच मिलेगा, एंड ये मैं वॉश कर चुकी हूँ, ये नहीं उतरा है, बहुत ही अच्छा वाली क्वालिटी का है। तो आगे ना आपको जो भी ड्रेस पहनते हैं ना तो आगे आपको इस तरह से प्लेट्स दिखेंगी, एंड इट सीम्स लाइक कि ये साड़ी है, तो सबको यही इल्यूजन होगा कि आपने साड़ी पहनी है बट आपने पहनी तो ड्रेस है क्योंकि आपको एक मॉडर्न ट्विस्ट देना है। तो इस तो ये आते आते ये जो आपका दुपट्टा आता है जो आपकी प्लेट्स के साथ अटैच है ये पीछे से होते हुए आप आगे यहाँ पे ऐसे टक इन कर सकते हो, तो आपकी ऐसे प्लीट्स आती है जो कि साड़ी लुक लगती है जो कि बहुत अच्छे से इस लुक को एनहेंस करेगा, एंड दिस इज लुकिंग सो अमेजिंग बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ। इसको जो मैंने स्टाइल किया था बहुत ही सुंदर नेकलेस के साथ मैंने स्टाइल किया था फ्रॉम दी ब्रांड सोही, एंड थोड़े से ट्विस्टेड नेकलेस के साथ मैंने किया था हल्का सा, अगर हम मॉडर्न स्टाइल में जा रहे हैं तो मैंने इस तरह सा ये क्रिस्टल का नेकलेस वियर किया था, इस तरह से लंबे इयररिंग्स रखे थे, चाहे तो आप गोल्डन में भी जा सकते हो पर थोड़ा सा मैंने मॉडर्न ट्विस्ट दिखाने के लिए यहाँ पे इस तरह से ग्रीन कलर के इयररिंग्स इसके साथ पहने थे जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। एंड फॉर दी बैंगल्स मैंने यहाँ पे ये सिंपल से
इस तरह से मैंने कड़ा बैंगल्स गोल्डन कलर के ये कुंदन के पहन लिए थे, तो मेरे पास इसी टाइप गोल्डन में यही वाले बैंगल्स हैं, तो मैंने इसी को ही ट्विस्ट करके पहन लिया था। आप चाहे दो दो भी पहन सकते हो, तो मैंने ये चारों पहन लिए थे, यानी बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे इसके साथ। ओके, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट साड़ी। इतना ब्यूटीफुल कलर है ना इसका, आप देख सकते हो इतना ब्यूटीफुल कलर है इसका, साथ ही साथ बहुत ही ब्यूटीफुल पल्ला आएगा। एंड ये जो कलर है ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हमारे करवा चौथ लुक को, तो इसको मैं पूरा ट्रेडिशनल लुक के साथ किया है, क्योंकि बहुत ही प्यारी साड़ी होने के साथ साथ ना इसमें ये ऐसे टेसल्स दे रखे हैं, ये पल्ला इतना सुंदर टेसल्स दे रखे हैं, तो इसको तो हमें एक बहुत ही सुंदर तरीके से एनहेंस करना है। एंड ये जो पूरा गोल्डन टच आ रहा है, बहुत ही सुंदर जो ट्रेडिशनल लुक आता है ना साड़ी का वो है। एंड इसको मैंने स्टाइल किया था अपने डिफरेंट कलर के एक ग्रीन ब्लाउज के साथ, एंड फॉर बैंगल्स मैंने इसी कलर के वाइन बैंगल्स के साथ मैंने इसको पेयर अप किया था, जो कि बहुत सुंदर से कॉम्प्लीमेंट होके आ रहा था गाइस, बहुत ही सुंदर सा। कुछ पेयर्स मैंने इस हाथ में इसको पहने थे, ये बहुत सुंदर लग रहा था। एंड फॉर ज्वेलरी मैंने यहाँ पे पेयर अप की थी बहुत ही सुंदर अपनी मैरिज की ज्वेलरी, जो इसके साथ बहुत ही अच्छे से एनहेंस होके आ रही थी, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक दिया है, जो कि इसके साथ बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही अच्छे से एनहेंस होके आ रहा था ये लुक, देख रहे हो। एंड साथ ही में है इसके इयररिंग्स, जो कि थोड़े से बड़े हैं, तो ये थोड़े से वैसे वाले इयररिंग्स हैं, तो हैवी हैं, तो आप यहाँ पे टक इन कर सकते हो, तो आपके इयर्स पे पूरा भार नहीं पड़ेगा। ऑल राइट, तो नेक्स्ट है मेरे पास एक बहुत ही सुंदर साड़ी गोल्डन कलर की, एंड उसको मैंने स्टाइल किया था एक बहुत ही सुंदर ब्लाउज के साथ। तो अगर आप साड़ी देखते हो तो आपको इस तरह की गोल्डन साड़ी मिलेगी, पूरी ही गोल्डन साड़ी है, आई मीन खुद फैब्रिक लेके लेस लगवा के मैंने इसे खुद अपनी ही पर्सनली डिज़ाइन किया था, और कुछ भी नहीं है इस साड़ी में, जस्ट ये पूरा गोल्डन फैब्रिक है एंड ये गोल्डन लेस है, जो कि बहुत सुंदर एनहेंस कर रही थी इस ब्लाउज के साथ, जो कि है वेलवेट ब्लाउज। हमें ब्लाउज हैवी होने के साथ ही हमने साड़ी को सिंपल रखा है, सो दैट वो अच्छे से एनहेंस होके आए हमारा ब्लाउज भी एंड हमारी साड़ी भी। एंड इसको भी मैंने इसी ज्वेलरी के साथ पेयर अप किया था, क्योंकि यही ज्वेलरी थी जो इसके साथ पूरी पेयर अप हो रही थी, यही ज्वेलरी, इवन यही इयररिंग्स एंड इवन यही बैंगल्स मैंने पूरा पेयर अप किया था इसी साड़ी के। ऑलराइट, मेरे पास ये लास्ट साड़ी है, तो ये एक गोटा पट्टी की साड़ी है बहुत ही सुंदर हॉट पिंक कलर में, तो इस तरह से ये पूरा गोटा पट्टी का वर्क हो रखा है पूरी साड़ी में। इसको मैंने पेयर अप किया था इस ग्रीन ब्लाउज के साथ, जो कि बहुत ही सुंदर एनहेंस होकर आ रहा था, तो ये मैजेंटा एंड ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी पुराना है, बट एक मॉडर्न साड़ी है ये, काफ़ी सुंदर ट्रेडिशनल साड़ीज में नहीं आएगी, ये थोड़ी सी मॉडर्न टच में हम इसको देंगे, थोड़ा सा फ्यूजन स्टाइल है, थोड़ा सा डिफरेंट है गोटा पट्टी का वर्क, एंड बहुत ही सुंदर साड़ी है। इसको मैंने पेयर अप किया था इस बहुत ही सुंदर सा स्लीक पतला सा कुंदन नेकलेस सेट, बहुत ही सुंदर नेकलेस सेट है, इसके साथ मैंने इस पूरी साड़ी को पेयर अप किया था। एंड बैंगल्स के लिए मैंने सिंपल से इस तरह के कुंदन बैंगल्स के साथ रखा था, क्योंकि इस पूरी साड़ी में गोल्डन टच है, हमारे नेकलेस में भी गोल्डन टच है, तो मैंने इस पूरी लुक में थोड़ा सा गोल्डन टच ही रखा है। एंड ये साड़ी का जो कलर है ये बहुत ही सुंदर एनहेंस होकर आ रहा था आपके इंडियन स्किन टोन को, मतलब एवरी कलर कॉम्प्लीमेंट्स आपकी साड़ी को, एंड इट लुक्स वेरी अमेजिंग। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही दिखाया कि आप किस तरह से अपनी करवा चौथ लुक को थोड़ा सा मॉडर्न ट्विस्ट, थोड़ा सा फ्यूजन स्टाइल एंड थोड़ा प्रॉपर ट्रेडिशनल स्टाइल कैसे दे सकते हो, एंड बहुत ही सुंदर आप ऐसे कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो जो आप पहन सकते हो ऑन करवा चौथ। अगर आप कन्फ्यूज हैं कि आप करवा चौथ पे क्या पहने, तो आप इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हो इनमें से कुछ भी, एंड जो भी चीज़ें ऑनलाइन है मैं सब मेंशन कर दूंगी। तो आई होप मैं आपको कुछ अच्छे आइडियाज़ दे पाई कि आप करवा चौथ पे थोड़ा सा इंस्पिरेशनल आइडियाज़ मैं आपको दे पाई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में लास्ट में रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।